हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्निंग मेडिकोज। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत कॉमन नेम है, लगभग हम सभी ने सुना है। तो आज का जो टॉपिक है रेबीज़। तो रेबीज़ का जब भी नाम आता है हमारे माइंड में सबसे पहले आता है डॉग बाइट, क्योंकि मोस्ट कॉमन जो कॉज है इसका जो है डॉग बाइट है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है। और इसके बाद देखिए है वो एक जूनॉटिक डिसीज़ है। इसका मतलब ये है कि ये हमें इन्फेक्टेड एनिमल्स से जो है ये ट्रांसमिट होता है ह्यूमन को। और जो एनिमल्स हैं वो डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स दोनों हो सकते हैं। तो डॉग्स के अलावा फॉक्स है, बैट है, मंकीज हैं, इन सभी एनिमल्स से भी रेबीज़ हो सकता है। लेकिन डॉग्स हर जगह पाए जाते हैं इसलिए इससे कॉमन होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि रेबीज़ कैसे होता है। एक वायरल डिसीज़ है। मेनली जो है जो एनिमल्स हैं वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब डिसीज़ को फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन मेन कॉज इसका है जो है लाइज़ा वायरस। तो ये एक वायरल डिसीज़ है, वायरल डिसीज़ विच कॉजेज एक्यूट इंसेफ्लाइटिस इन वार्म ब्लडेड एनिमल्स, मेनली जो मैमल्स में जो है ये डिसीज़ होती है। एनिमल्स के सलाइबा से वाइट के थ्रू या फिर स्क्रैचेस के थ्रू जो है ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है। और मेनली जो डॉग्स हैं इसमें 99% सोर्स होते हैं ह्यूमन रेबीज़ के लिए या डेट्स के लिए। और इसके जो सिम्टम्स एक बार अगर डेवलप हो जाते हैं तो रेबीज़ जो है नियरली फैटल होता है। इन डॉग्स एंड कैट्स वायरस में भी प्रेजेंट इन सलाइवा फॉर 3 to 4 days बिफोर द क्लिनिकल ऑनसेट एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इलनेस टिल द डेथ। और इसके बाद हम देखेंगे कि इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड जो हाईली वेरिएबल होता है, कॉमनली 3 to 8 weeks फॉलोइंग एक्सपोजर। तो ये किस पे डिपेंड करता है, द क्लोजर द बाइट टू द ब्रेन शॉर्टर इन द इंक्यूबेशन शॉर्टर इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड। और जितना क्लोजर जो है ब्रेन से जो भी ऑर्गन होता है जहाँ पे बाइट होता है उतना जल्दी डिसीज डेवलप होता है। और रेबीज वायरस जो है वो ट्रैवल करता है 1 centimeter per day। और इसके बाद हम देखते हैं कि इसका पैथोजेनेसिस क्या है। वायरस एंटर करता है हमारी बॉडी में एनिमल बाइट के थ्रू, उसके बाद रेप्लिकेट करता है मसल्स में एट द साइट ऑफ बाइट में। और वायरस इन्फेक्ट जो करता है नर्व्स को इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एंड मूव्स बाय रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। इसके बाद जो है वायरस का रेप्लिकेशन होता है डॉर्सल रूट गैंगलियन में और ट्रैवल करता है स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में और ब्रेन को इन्फेक्ट करता है। एंड देन वायरस ट्रैवल्स फ्रॉम ब्रेन बाय अ नर्वस सिस्टम नर्व्स टू अदर टिश्यू सच एज आईज, किडनीज, सलाइवरी ग्लैंड्स। इसके बाद हम देखेंगे कि साइन एंड सिम्टम्स क्या है। तो साइन एंड सिम्टम्स में सबसे पहले जो है बिजारे बिहेवियर, जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है, अजीब अजीब सी हरकतें करना, पानी से डर लगना या पानी से दूर भागना, इस तरह के कुछ लक्षण, एजिटेशन है, सीजर्स हो सकते हैं, झटके आ सकते हैं, डिफ़िकल्टी इन ड्रिंक पानी पीने, पानी को देखकर ही जो है जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको जो डर लगता है या पानी को देखकर दूर भागता है। इसके बाद देखेंगे पेशेंट विल बी एबल टू ईट जो है सॉलिड बट डिफ़िकल्टी इन ड्रिंकिंग, इसमें अफ्रेड ऑफ वाटर जो है उसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। इसके बाद देखेंगे इस कंडीशन में पानी से इतना डर होता है उस पेशेंट को कि उसकी आवाज़ सुनकर, हल्की सी आवाज़ सुनकर भी वो जो है डिस्टर्ब हो जाता है और इसीलिए इसको हाइड्रोफोबिया भी कभी कभी कहा जाता है। इसके अलावा देखेंगे स्पाज्म ऑफ फायरिंग्स हो सकता है, प्रोड्यूसेस चोकिंग और डेथ भी हो सकती है अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला 1 to 6 days में, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है और डेथ हो सकती है। इसके बाद हम देखेंगे प्रिवेंशन। तो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस में इम्यूनाइजेशन और टू पेट्स, अगर हम पालतू जानवर अपने घर में रखते हैं, जानवर पालते हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, तो उनको टाइम टाइम पर इम्यूनाइज करवाना चाहिए। और अगर बाहर कहीं से किसी तरीके से बाइट हो जाता है तो हमें तुरंत जो है रेबीज़ की वैक्सीन लेनी चाहिए बाइट के तुरंत के बाद। और उसके बाद जिस एनिमल से बाइट हुआ है उसको ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि एटलीस्ट 1 month के लिए ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि उसकी डेथ तो नहीं हो रही है या डेथ तो नहीं हुई है या उसमें कोई सिम्टम्स तो नहीं है, ताकि हमें पता चल सके कि वो जो एनिमल था वो इन्फेक्टेड था कि नहीं और उस हिसाब से फिर आगे का ट्रीटमेंट चलता है। तो उम्मीद है कि रेबीज़ के बारे में ये जानकारी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और लोगों तक शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जब भी मैं नए वीडियोस अपलोड करूँ